तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पहाड़ों पर बाइक चलाने की कुछ टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप एक बाइक को पहाड़ों पर ले जाने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपके बहुत काम आने वाली है जब भी आप पहाड़ों पर बाइक लेके जाएंगे। पहाड़ों पर ओवरटेक कैसे करते हैं, अगर आपको, पहली बात तो ओवरटेक करना नहीं चाहिए, अपनी लेन में रहना चाहिए, लेकिन अगर ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करते कैसे हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसा आप देख रहे हो कि भाई दोनों तरफ से ये टू वे रोड है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, अपोजिट साइड से भी आ रही हैं, और अगर मैं यहाँ से ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा तो कोई गाड़ी आएगी जो मेरे को अभी दिख नहीं रही है वो एकदम से आगे आ जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ओवरटेक करने के लिए पहले तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी ये जो गोल टर्न्स होते हैं, जैसे कि जो टर्न्स हैं, इन पे ओवरटेक नहीं करना है। टर्न्स पे ओवरटेक इसलिए नहीं करना है क्योंकि अपोजिट साइड से जो गाड़ी आ रही होती है वो हमें ऐसे दिखेगी नहीं। तो जैसे भी ये सीधा रोड है और मैंने ओवरटेक कर लिया, तो यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो, उसमें भी एक कंडीशन है कि अपोजिट साइड से दूर तक कोई गाड़ी ना आ रही हो। अगर सामने से काफ़ी डिस्टेंस, अगर थोड़े डिस्टेंस पे कोई गाड़ी है तब भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि देखो सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो मैं ओवरटेक कर लेता हूँ। ये देखो मैंने इसको ओवरटेक कर लिया और अब देखो सामने से गाड़ी आने लग गई, क्योंकि ये काफ़ी दूर थी इसलिए मैंने इसको ओवरटेक कर लिया। और हमेशा ध्यान रखें कि ये जो टर्न्स है इससे हॉर्न बजा के ही निकलें, ये हॉर्न बजा के निकलें, चाहे कोई गाड़ी हो ना हो लेकिन हॉर्न बजा के निकलें, क्योंकि जब कोई सामने से गाड़ी आ रही होती है और वो टर्न करती है तो उसका जो टर्निंग रेडियस होता है वो बढ़ जाता है, और टर्निंग रेडियस क्योंकि स्पीड की वजह से टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है, और टर्निंग रेडियस जब बढ़ जाता है तो वो दूसरी लेन में भी आ जाती है, सिर्फ मतलब खासकर टर्न्स पे या दूसरी लेन्स पे भी आ जाती है। अब देखो हॉर्न मारा और फिर हमें टर्न करना है, अगर छोटा टर्न है तो हॉर्न मार के टर्न करना है, बड़ा टर्न है तो चलो बिना हॉर्न के भी हो जाएगा। अब जैसे ये पिन टर्न है देखो, तो ये पिन टर्न पे आराम से, बड़े आराम से टर्न करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ओवर स्पीडिंग से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और ओवर स्पीड से आप दूसरे लेन में शिफ्ट हो जाएंगे जिससे अगेन एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो जैसे ही गाड़ी आ रही है यहाँ से, हम अब दूर तक दिख गया मेरे को कोई गाड़ी नहीं आ रही तो मैंने ओवरटेक कर लिया, मतलब आपको सामने काफ़ी डिस्टेंस से ये दिख रहा हो कि अपोजिट साइड कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये भी टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप पहाड़ों पर हैं और ढलान से उतर रहे हैं यानी वापस पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं तो आप अपना इंजन बंद कर लें, जैसे मैंने अभी कर लिया। इससे होगा क्या, इससे आपका फ्यूल बचेगा और इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा बार बार ब्रेक लगाने से, क्लच दबा के रखने से, तो आपका इससे फ्यूल बहुत सेव हो जाएगा। नॉर्मल से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप ढलान से उतरते टाइम आप इंजन को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। तो कैंपटी फॉल 3 किलोमीटर, हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ तो मैं मसूरी में हूँ, कैंपटी फॉल की तरफ जा रहा हूँ मैं, और इसका जो पूरा वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे है, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चैनल में जाके देख लो। ऐसे में और भी R15 के साथ, ये बाइक जो है ये R15 है। तो ये हैं कुछ सेफ्टी टिप्स आप लोगों के लिए कि अगर आप बाइक को पहाड़ों पे ला रहे हो तो कैसे राइड करें, ओवरटेक ना करें, ओवरटेक करें तो कैसे करें, और हॉर्न बजाते रहें बार बार टर्न्स पे, हर टर्न पे हॉर्न बजाएं। रात को चला रहे हो तो डिपर का यूज़ करो। तो ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ टिप्स पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे ऐसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।